गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज है डे थ्री, मतलब आज है लास्ट डे ऑफ वेडिंग। तो अभी हम लोग फ्रेश व्रेश होकर सारे के सारे, ढोलक वाले भैया ये हम लोग, वेलकम गर्ल्स, सारे के सारे यहाँ से निकल रहे। कार नहीं है बिकॉज वो भाग गया। हाँ, वो रात को मतलब चला गया। बैक डांसर्स जो थे वो भी चले गए रात को ही। तो हम लोग अभी टोटो में जाएंगे वापस से अगेन। मतलब सारे चीज़ ना इसी इवेंट में, सारे कुछ मैं देख रहा हूँ। मतलब ज़िंदगी में ये सब चीज़ फेस नहीं किया आज तक, इतना सारा करियर में, बट ये सारी चीज़ें इसी इवेंट में फेस कर रहा हूँ। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। उन डांसर्स को रूम प्रोवाइड किया गया था, फिर भी पता नहीं क्यों चले गए, समझ ही नहीं उनका लॉजिक। ये भी डन, सब डन। अभी 8 बज रहा है, अभी हम लोग जाएंगे। अभी थोड़ा एक फंक्शन अभी है और फिर डायरेक्टली आएगा शादी ही होगा, बिकॉज आज शायद दो ही फंक्शन होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो यार वो भी थक जाएंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं थकूंगा, ये लोग ज़्यादा थक जाएंगे। लेकिन आज लास्ट है, कल अपन घर में मिलेंगे रास्ते टाइम, फिर घर में बात करेंगे। आज बस लास्ट है, तो आज चाय भी नहीं पियेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज चाय कल का आपको पता था कैसा था। तो आज हम लोग चाय भी नहीं पीने वाले। और मैंने आउटफिट भी सेम लगा, बस ऊपर का जैकेट चेंज किया। मैं रात में लगाने वाला हूँ अपना आउटफिट जो भी है मेरा, मैं लेके आया फॉर्मल अपने लिए, तो मैं रात में लगाने वाला हूँ। अभी क्या ही लगाना, इतना धूप में वो सब लगा के रख नहीं सकते अपन, तो बस। और अभी एग्जैक्ट हम लोग चालसा में हैं, तो अभी यहाँ से टोटो, अबे टोटो दिख ही नहीं रहा, दिखा बरा। तो अभी तीन टोटो जाएगा, यहाँ से तीन जाएगा ना, दो जाएगा, तीन टोटो जाएगा, ताकि डांसर्स, वेलकम गर्ल्स, हम लोग चार जने हैं और वो ड्रम वाले भैया, हाँ हम सब जा पाए। तो तीन टोटो हमको करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ तक के लिए, मतलब 8 किलोमीटर के लिए। तो हम लोग को टोटो मिल गया और हम लोग जा रहे हैं। इस टोटो में भी 6 जने हैं, 2 वेलकम गर्ल्स और बाकी अपन के 4, मतलब 2 उनके और एक और भैया, और बाकी अपन 3 लोग। एक हम लोग का बंदा पहले चला गया टोटो में, बिकॉज उनको ढोलक वाले जो थे उनको देखा हुआ नहीं था, तो उनके साथ चला गया वो। अभी उनको बता देगा किधर है, हम लोग भी जा रहे हैं। और ये देखो, ये पूरा ही फॉरेस्ट एरिया है। और आई गेस कल यहाँ हाथी भी निकला था, तो यहाँ तो निकलता ही रहेगा। फॉरेस्ट एरिया के बीच में एक रोड, और रोड के बीच हम कल रात में भी ऐसे ही आए थे। वो देखो टूरिज्म डिपार्टमेंट हाथी वगैरह का दिया है यहाँ पे, तो रिस्की भी है यहाँ पे, तो यार फॉरेस्ट एरिया रिस्क तो हो गया, ठंडा भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो अपन फटाफट निकल जाएंगे। ये देखो वो टी शर्ट में है, हम इसमें है, वो साइकिल में है, फिर भी उनको ठंडा ही लग रहा। लोकल्स आदत हो गया होगा उनको, बट उन लोग को तो, मेरे को तो बिल्कुल लिटरली इन सब चीज़ों का उतना आदत नहीं है, अपन ठंडी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे को चाहिए। मैं रिजॉर्ट आ चुका हूँ और अभी है भात का फंक्शन। मारवाड़ियों में ऐसा कोई फंक्शन होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ऐसा फंक्शन है अभी, तो उसी का ये डेकोरेशन देखो, मेन गेट का ऐसा है, ये वाला ढोलक वोलक अच्छे से दिया है आगे, और इधर भी अभी हो रहा है, मतलब अभी पूरा हुआ नहीं है, इधर भी ये सब बनाया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। ये फ़ोन में बिजी है, आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, अंदर का भी दिखाता हूँ क्या हो रहा है अभी, ठीक है, डेकोरेशंस वगैरह। अभी तो बहुत वार्म वेदर है, ये आप लोग देख सकते हो, इधर देखो आप लोग, ये हो रहा है, ये सारा डेकोरेशन हो रहा है, अभी यहीं पे होगा वो फंक्शन। तो ये भी अच्छा है, फंक्शन सामने ही है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। और आई गेस मेरे को लग रहा है कि इस फंक्शन के बाद सीधा रात को वेडिंग होगा, इस बीच में आई डोंट थिंक कुछ होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बिकॉज मैं इसमें नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेट्स सी कैसा होता है, क्या क्या होता है। आप लोग भी देखो मेरे साथ, इन्जॉय करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो इन्जॉय। अभी मैं लड़की वालों के साइड आया हूँ, और देखो इधर भी डेकोरेशन किया गया है, बहुत सिंपल एंड बहुत कूल, गणपति बप्पा मोरिया। अभी अंदर चलते हैं, अंदर में कैसा है वो आप लोग देखना, सिंपल ही होना चाहिए वाला, तो बट देखते हैं कैसा है अंदर में। अभी अपन फटाफट ऊपर आ गए, ठीक है, और ये लाइट नहीं दिख रहा ना, बिकॉज अब दिखेगा आप लोग को। ये यहाँ का है, बहुत सिंपल डेकोरेशन है, बट कूल है ये भी, जैसा आई गेस रिचुअल्स होगा वैसा ही डेकोरेट किया गया, तो देख पा रहे हो गोटियाँ मटका एंड ऑल। अभी बट चेयर मैसी हैं, चेयर सारे मैसी हैं अभी, तो इन सबको ठीक करना पड़ेगा आई गेस, बट वो तो हो ही जाएगा, अगर डेकोरेशन मेन है, ये तो चेयर्स तो क्या 5-10 मिनट में हो जाएंगे। तो चलो, मेरा तो इतना ही काम था, इधर ब्लॉग कर लिया, डेकोरेशन के वीडियोज़ फोटोज़ ले लिए, अब उधर चलते हैं, उस साइड देखते हैं,
उधर में मतलब क्या है। और टोटो वाले भैया भी गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए, नो आइडिया। एक बार वो भी मेरे को दिख जाए तो अपन उनके साथ उस साइड में चले जाएंगे। आगे भैया कहाँ गए थे भैया आप? चलिए 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 चलिए, हो गया काम। तो भाई क्या, हाँ तो भैया भी आ गए, अब अपन फटाफट चलते हैं। नहीं इतना कुछ था नहीं, इसे जल्दी हो गया, मतलब मैंने भैया को बोला था 10 मिनट में मैं आ जाऊँगा, तो भैया भी अपना उधर कहीं चले गए थे, बट मेरे को जल्दी हो गया बिकॉज खाली था तो अपन जल्दी जल्दी कर लिया काम, है ना। खाली रहता है तो आपको एक मौका हो जाता है ना जल्दी जल्दी काम करने का, तो मेरा भी वही हुआ, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लिया मैंने। अभी फिर हम उधर ही जा रहे हैं उस वाले रिजॉर्ट में, देखते हैं वहाँ पे जाके मतलब क्या अभी कुछ है भी या नहीं है, क्योंकि वहाँ भी डेकोरेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डेकोरेशन अभी हो ही रहा है वो पूरा, तो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी हो जाए। गाइज अभी शाम हो गया और ये डेकोरेशन आज शादी वाला पूरा मंडप वंडप देखो सब कुछ बना, ये स्टेज है, अभी लाइट नहीं जल रहा बिकॉज यहाँ पे काम हो रहा है, बट बाकी सारी जगह लाइट जल रहे हैं, ये देख रहे होंगे, डेकोरेशन वगैरह सब देख लो। आज के लाइट्स वगैरह ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर ये कारपेट, इसमें आज टेप वगैरह कुछ भी नहीं है तो इसको बहुत अच्छे से लगाया गया, तो वो भी आज बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मेरे को भी जाना है रेडी होने के लिए, अभी मैं जाऊँगा, आज फॉर्मल लगाने वाला हूँ मैं, तो मैं वो अपना जो ड्रेस लेके आया हूँ मैं वो लगाऊंगा, और बाकी सब कुछ तो अच्छा लग रहा है। ठंडी भी आ गई है अब सामने, अब चेंज वगैरह भी करना है। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, गेट पे लेके चलता हूँ, उसका डेकोरेशन आपको दिखाता हूँ मैं, ये अभी हो ही रहा है, इसमें भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और इधर भी ये अपना सेल्फी लेने वाला है, ये इसमें भी अभी लाइट जलेगा, और ये अपना गेट, एंट्री गेट, इधर देखते हैं। यो गाइस, हेलो वेलकम बंदे लोग, हेलो वेलकम, ये देख रहे हो गए मेरे ऊपर दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखो ये पूरा डेकोरेशन, ये ऐसा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ये वाला डेकोरेशन के साथ थीम, आज सब कुछ थीम वाइज है ना, सब कुछ सेट है, तो ये बहुत कूल लग रहा है, खासकर मेरे को ना आज अच्छा लग रहा है, उसको बोलते हैं लाइट्स, तो मेरे को लाइटनिंग बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेस्ट पार्ट ये है कि लाइटिंग्स वगैरह जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लाइट्स, अगर लाइट्स अच्छे नहीं होंगे ना तो पूरी थीम का वाट लग जाना है, तो लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ लास्ट वो लाइट जलने का, स्टेज का लाइट जलने का, एक बार वो जल जाएगा तब समझ में आ जाएगा पूरा 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 थीम और डेकोरेशन वगैरह सब कैसा हुआ है, बिकॉज डेकोरेशन विथ लाइट्स ही परफेक्ट होता है जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, फाइनली मैंने चेंज कर लिया, और देखो पता नहीं कैसा लग रहा हूँ बिना हेयर के, बट आई गेस पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हूँ, अगर हेयर होता ना मेरा और भी अच्छा लग सकता था, बिकॉज मेरे को अपना हेयर का बहुत याद आता है यार, बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हेयर आ ही जाएगा, और ये ड्रेसअप से अच्छा भी कभी ना कभी ड्रेसअप अपन कर ही लेंगे। ठीक है, तो अभी ड्रेसअप चेंज कर लिया, अभी देखते हैं और आगे अपन क्या क्या ले सकते हैं। हेलो, कैसा लग रहा हूँ? सुपर हिट लग रहे हो कसम से, एक रिव्यू अच्छा मिला। आई रियली विश मेरा हेयर होता तो मुझे लगता है मैं और भी ज़्यादा अच्छा लग सकता, आप लोग ही बताओ कमेंट करके कैसा लग सकता है अगर मेरा हेयर होता तो। और वहाँ पे गाने चल रहे तो अपन उधर वीडियो नहीं बना सकते बिकॉज बहुत लाउड म्यूजिक है, मुझे लगता है मेरा आवाज़ आप लोग को सुनाई देगा अगर मैंने उधर वीडियो बनाया तो। ठीक है, हो गया सब कुछ डन, अभी रात के 12 बज रहे हैं, सब कुछ डन हो गया, शादी वादी अभी तो बचा है थोड़ा बहुत, वो हो जाएगा, जयमाला वगैरह सब कुछ हो गया, हम लोग का सभी का काम खत्म, और हम लोग ये ट्रैवलिंग बस में आए हैं बिकॉज हम लोग
आई गेस 12 या 11 लोग ऐसे हैं तो कार में जा नहीं सकते थे, तो हम ये बस ले लिया, अभी जा रहे हैं। तुझे हम लोग को पता नहीं हो क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे पता है आप लोगों इसमें से ऑलमोस्ट 80% लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो इग्नोर करो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चलसा तक, चलसा मोड़ तक छोड़ देने के सेंट्रल बैंक के पास, वहाँ से फिर हम लोग वॉक करके अपने रूम पे चले जाएंगे। आज लास्ट डे हम लोग का, उसके बाद कल तो बैक टू होम। और मैं एक जन से आपको मिलाता हूँ, मैं नहीं मिला, ये हमारे डीजे वाले भैया, किधर है, इधर है, ये इधर चिपके बैठे हुए हैं, ये हमारे डीजे वाले भैया हैं, ठीक है। तो इनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कोई साउंड वाउंड चाहिए होगा तो आप इनसे ले सकते हो, ये आपको अच्छा प्रोवाइड कर देंगे। बाकी तो अभी तक इसका मतलब समझ नहीं आया मेरे को, इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया, आप लोग को भी समझ नहीं होगा। देखो ये लोग बोल रहे हैं क्या, ये क्या बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए। ये है मंगल, मंगल भवन वाला, ट्यूजडे वाला मंगल। तो इसका मतलब मेरे को नहीं पता, ये सस्पेंस है, आप भी सस्पेंस में रहो। आप चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, कोविड से बचो, जिन्होंने कोविड इंजेक्शन वैक्सीन नहीं लगाया वो प्लीज़ लगा लो। आई एम डैम टायर्ड, थोड़ा बहुत इधर उधर इग्नोर हो रहा है तो कर लो यार, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, बॉडी पेन कर रहा है, ठंड में वाट लग गया, कुछ लगाया नहीं था। और यहाँ वैसे हाँ एक चीज़ बता दूँ, कल भालू निकला था यहाँ पे, इसी जगह में, आजू बाजू जहाँ हम लोग रहते हैं उधर ही आजू बाजू रहता है, न्यूज़ में भी आया है, फेसबुक के न्यूज़ में भी आया, आप लोग चेक करो, आप लोग चेक कर सकते हो। तो थोड़ा भाई जंगल के बीच में रिजॉर्ट, ये सब यही एक झमेला है, रात को आप नहीं निकल सकते, बहुत रिस्की है, बट अभी हम लोग इतने सारे लोग हैं ना, कुछ होगा नहीं, बट फिर भी रिस्क तो रिस्की है, कभी जो होना होगा तो हो ही जाएगा। एनीवे गाइस, आप चलो टेक केयर, बाय बाय।